हमारे देश पर ब्रिटिश राज का शासन लगभग 150 वर्षों से चल रहा था। गुलामी की आग में झुलस कर स्वतंत्र भारत का सपना हम सबके मन में बसा हुआ था। अहिंसा को अपनी ढाल बनाकर या हिंसा को अपनी तलवार बनाकर किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता पाना हमारा ध्येय बन चुका था और इसी में एक बड़ी क्रांति का जन्म हुआ। अखंड बंगाल के पूर्वी प्रांत के एक छोटे से शहर चट्टोग्राम में, हमारे चट्टोग्राम में। ये बात 1930 के प्लेन है, चलो चलो चलो। आनंदो इधर, आनंदो। मांशु, हाँ आगे आगे। रजत आगे, रजत। युको, हाँ यहाँ पे। देवा। हेलो दोस्तों। अरे खूब मारो। पॉकेट इधर, इधर से पॉकेट। क्या चाहिए इनको? ए, ठहरो। क्या हुआ? This is a good ground. Set the camp here. Tell all the locals to evacuate. Yes, sir. अरे सुनो, तुम लोग यहाँ नहीं खेल सकते। क्यों? बोला ना नहीं खेल सकते? जाओ घर जाकर खेलो। दादा कंचे तो है नहीं, फुटबॉल है, मैदान तो चाहिए। क्या बोला रे? बात कैसी पाई दादा? इस मैदान पर छावनी लगने वाली है। छावनी? ठीक है, हम लोग वहाँ खेल लेंगे। वहाँ भी नहीं, इस पूरे मैदान में कहीं नहीं खेल सकते। लेकिन ये हमारा मैदान है, हम हमेशा से यही खेलते हैं। पिछवाड़े पे एक डंडा पड़ेगा ना जोर से तो हमारा तुम्हारा सब भूल जाओगे। चलो निकलो यहां से, चलो निकलो। अरे वहां चले, इधर की तरफ। एक आखिरी बार बात करके आऊं? चलो यहां से जाना पड़ेगा। क्यों, कहीं और क्यों? ये मेरा मैदान है और मैं यही खेलूंगा। तो क्या करेगा तू? हाँ इनसे लड़ेगा? हाँ। होश में आ जा जुंकू, हम उनसे नहीं लड़ सकते। रुक, फैल जाओ। काली माता मंदिर के सामने वाला मैदान, वहां चल के खेलते हैं। वो भी गया। अरे लेकिन हम लोग और कहीं क्यों जाएंगे, हम यही खेलेंगे, आओ मेरे साथ। ए, अगर हमने ज्यादा आनाकानी की ना तो हमें स्वतंत्रता सेनानी समझकर अंदर डाल देंगे। मैं हूं ना स्वतंत्रता सेनानी, अब बोल चल के लड़ते हैं। ये नीम के पेड़ के नीचे सोने की वजह से भूतिया गया ये। एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम किसी स्वतंत्रता सेनानी को जाकर मिले। स्वतंत्रता सेनानी? तेरा मतलब है कि असली स्वतंत्रता सेनानी? ये ना सब बेकार की बातें हैं। नहीं ये सही कह रहा है, एक है, क्या नाम है उनका, अरे जो एक बार जेल भी जा चुके हैं, किसी स्कूल में मास्टर भी हैं, सूर्योदय, सूर्यो सेन। हाँ शायद वही। अरे वो जो भी है हमारा मैदान वापस दिला दे बस। हाँ। अरे कभी तो अकल लगाया करो, वो लोग इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, इस चिगड़ी मुद्दे के लिए उनके पास समय होगा? तो अपना मैदान कौन सा लंदन में है, तो इसी देश का हिस्सा ना। अरे ये कब बड़ा होगा? नहीं नहीं नहीं, इसकी बात सही है, तू जानता है उन्हें? मैं तो नहीं लेकिन मेरे दादा जानते हैं। तो दादा से पूछ कर देख। ना रे बाबा, दादा को इस बारे में बताऊंगा तो गाल लाल कर देंगे। तू अपने मैदान के लिए दो चार थप्पड़ भी नहीं खा सकता? पंचायत खत्म हुआ तुम लोगों का,
चलो निकलो यहाँ से, निकलो नहीं तो फुटबॉल फाड़ के रख दूंगा तुम्हारी। इस गणित में x की जगह x स्क्वायर होता तो जवाब क्या होगा? हरिपोदो तुम बताओ। यही मास्टर दा कि x स्क्वायर हो या x क्यूब, रट्टा तो मारना ही पड़ेगा। बहुत कठिन है। सही तरीका अपनाओगे तो बड़ी सी बड़ी कठिनाई हल हो सकती है। चलो कुछ और बातें करते हैं। आप में से किस किस के गहरे दोस्त हैं? हरिपोदो, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मास्टरदा, बिदु। बिदु? बिदु के लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकता हूं मास्टरदा। जान दे सकते हो? कठिन है लेकिन ऐसा हो सकता है, बल्कि ऐसा हुआ है। खुदीराम बोस का नाम किसी ने सुना है? बिदु, खुदीराम बोस हमारे देश के जवान क्रांतिकारियों में से एक रह चुके हैं। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। खुदीराम बोस, बचपन से ही उनके अंदर देश को आजाद करने की चिंगारी भड़क चुकी थी। एक अंग्रेजी अधिकारी की टांगे पे उन्होंने बम फेंक दिया था जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, और 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटकाया गया। जानते हो उन्होंने ये किसके लिए किया? तुम्हारे लिए, हम सब के लिए, अपने देशवासियों के लिए। वो कौन है माशदा? निर्मल सेन। क्या वो आपके गहरे दोस्त हैं? क्या उनके लिए आप अपनी जान दे सकते हो? कभी भी। निर्मल, कैसे हो? 2 दिन पहले ही छूटा, छूटते ही ट्रेन पकड़ी और आ गई सेवा में। जेल में बहुत तकलीफ हुई होगी। चमड़े का सोटा नमक के पानी में डुबो के मारते थे, मार मार के थक गए साले गोरे। लेकिन मजाल है कि मुंह से बंदे मातरम के सिवा और कुछ निकल गया हो। हम सबको तुम पे बहुत गर्व है, और अपने अनंत तो अंबिका लोग सब यही है। बुधवार की शाम 5 बजे सबका मिलना तय हुआ है। तो फिर कहो, कब, कहां, कैसे कूदना मैदान में? बहुत जल्द। ठीक है, तो अब मैं चलूं। कहां जा रहे हो? वो प्रीति लोथा से मिलने। अरे हां, जरा अपना हुलिया ठीक करके जाना। कहाँ
आ जाएंगे, ठीक से खेलो नहीं तो हार जाएगी। आ गए, वो पीछे देख आ गए। अरे आ गए प्रीति लोटा। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अब तो ठीक ही होगी, दो घंटे से आपका इंतजार जो कर रही है। आपकी ट्रेन तो बहुत पहले आने वाली थी। हाँ, वो सूरजो से मिलने चला गया था। क्या बात है? तू बता। तू बता, पर बात क्या है? कल्पना और मैं सूरजोदा से मिलना चाहते हैं। क्यों? हमने तय किया है कि हम आपके संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे संगठन में स्त्रियों के लिए कोई काम नहीं। मेरी तो सुनेंगे नहीं, शायद तुम्हारा कहना ही मान जाए। एक उहू। हाँ दीदी। आओ खेले। हम दोनों ही क्रांति में। उहू, देखे खेल। कल्पना, दाहिने जाते हैं। हाँ। नहीं नहीं, सीधे चलते हैं। अरे नहीं, दाहिने जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, चलो ऑटो रास्ते से हटो। कहिए सूरजोदा तो नहीं? सूरजोदा, चल चलो देखते हैं। हाँ। सूरजोदा अनंत, कैसे हो? ठीक हूं। और सुनाओ। मैं क्या सुनाऊं, आप सुनाओ। बैठे बैठे पुर्जों में जंग लग रहा है। अंबिका दा, हाल चाल किदा? तो एकदम चंगे हैं। तुहाडा की हाल है अनंत सिंह? अमी एकदम भालो। अच्छा, बाकी बातें बाद में, सबसे पहले मुझे एक गलती की माफी मांगनी है। कौन सी गलती? मैं अभी अपने गांव गया था, पंजाब, पुश्तैनी जमीन का हिसाब करने। कुछ पैसे बच गए थे, लेकिन मैंने उन पैसों से अंग्रेजी गाड़ी खरीद ली। ठीक है, माफ किया, क्योंकि तुम्हारी अंग्रेजी गाड़ी का इस्तेमाल हम अंग्रेजों के खिलाफ ही करेंगे। चलो ये अच्छा है। अंबिका दा, लगता है आपकी प्लानिंग पहले से ही शुरू हो गई है। प्लानिंग और पैसे के बिना कोई भी क्रांति आगे नहीं बढ़ सकती। कितने पैसे जुड़े हैं? 11 रुपए
मेरी तनख्वाह जो यहां मैंने जमा कर दी है। आप शुरजदा हैं? तुम सब कौन हो? झुंकू और ये सब मेरे साथी है। क्या काम है? वो जो ठेकेदारी पर है ना, हम लोग वहां रहते हैं और हमारा एक मैदान भी है। मतलब हमारा नहीं है पर हमारा ही है। हाँ। हम वहाँ रोज फुटबॉल खेलते हैं। अब वो अंग्रेज सिपाहियों ने हमसे ले लिया है। फुटबॉल मैदान वो हमें वापस दिला दो ना। हाँ। और आज भी ऐसे तो कल सवेरे दिला दीजिए। हाँ। चलो जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। कौन था? कुछ बच्चे थे, कोई मैदान फुटबॉल की बातें कर रहे थे। अनंत निर्मल, अरे तुम लोग अभी तक यहीं हो? मैंने कहा था ना जाओ यहां से। हम सुरजदा से मिले बिना नहीं जाएंगे। हाँ, हाँ। मैंने कहा एक मिनट, आमी सुरजदा कहो क्या हुआ? सुरजदा हमारे मैदान है। शांत हो जाओ एक एक करके। तुम बोलो। शुजदा हम ठेकेदारी पारा के रहने वाले हैं और हमारा एक मैदान है वहां पर जो अंग्रेज सिपाही ने हमसे ले लिया है। अब हम क्या करें आप बताइए। हमें पता चला है कि आप उनके खिलाफ देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तो आप देश ले लीजिए, हमें हमारा मैदान दे दीजिए। वो मैदान सच में हमारा है। हाँ? विद्या कसम। हाँ, हाँ, हाँ। अरे भला कोई खेल के मैदान में बड़े बड़े ट्रक खड़े करके पंडाल गाड़ता है क्या? और नहीं तो क्या। हमको भी अंग्रेजों से नफरत है, आप उन्हें उस मैदान से हटा दीजिए। मुझे अंग्रेजों से नफरत नहीं है, उनके काम करने के तरीके से नफरत है, उनकी नियत उनके नजरिए से नफरत है। ठीक है चलो अब अपना नाम बताओ। एक एक करके। मैं हूँ आनंद गुप्तो और ये है मेरा छोटा भाई देवा गुप्तो। मैं रोजा शेन। मैं जीवन घोषाल, घर पे मोखन कहते हैं और खाते भी है। मैं सुबोध राय, वो तो इसके बचपन का नाम है, अब सब इसे झुंकू ही बुलाते हैं। मैं फकीर शेन। और मैं हूँ नरेश, नरेश राय। मैं हिमांशु शेन। और ये टेगरा है टेगरा। नमस्कार। मैं तुम सबकी तकलीफ समझ सकता हूँ, मैं कोई वादा नहीं करता, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है जा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे 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 फुटबॉल टिकरा 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 टिकरा। आनंद आनंद जीवन। अरे अरे गुड आफ्टरनून सर। We are trying to establish factories here in Chittagong. Ah, Tate. Good afternoon. Meet Baran Kumar Ghoshal, the biggest businessman in Chittagong. Hello. Captain Tate. Hello. Farrell, take a seat. Sure, sir. We're in the midst of closing a business deal with Mr. Ghoshal. Certainly. Please excuse. No, it's all right. Join us. Sir, that is 60% to us, 40% to you. I would prefer the other way around. 40-60? That's the best I can do. After all, it's our people, our resources. Do you realize that we're giving you business in a sleepy town like Chittagong? Mr. Wilkinson, I must share this one with you. Your forefathers lost their way trying to find Chittagong and reached Calcutta instead. Otherwise, your governor would have been sitting here. So gentlemen, do not underestimate the trade potential of Chittagong. 40-60? Okay. Mr. Ghoshal, to Chittagong, the new Calcutta. Cheers. Cheers.
So, Captain, is this your first visit to India? Yes, it is. And may I know your directive? To establish a stronger military presence by setting up more camps. Rest assured, Captain Tate, we Bengalis teach our children the power of words and not of the sword. Namaskar, one is there. Namaskar. गणेश ये क्या है? सिर्फ स्वदेशी कपड़ा, विदेशी सिल्क नहीं ले? भूल गए? नहीं बाबा, मैं भूला नहीं। तो फिर? बाबा, मैंने बहुत सोचा। मुझे नहीं लगता कि हमें और विदेशी माल बेचना चाहिए। मतलब? मतलब हमें स्वदेशी माल ही रखना चाहिए। फिर से वही। अरे सिल्क के कपड़े में कम से कम 4 गुना ज्यादा मुनाफा है। होगा, पर बाबा सारा बंगाल विदेशी माल बॉयकॉट कर रहा है। तो तू मुझे क्रांति की बातें सुनाएगा? अरे धंधे में क्रांति लाने की सोच, उसकी ज्यादा जरूरत है। बाबा मैं स्वदेशी आंदोलन के साथ हूँ। आस्टीमा अब किधर? कांग्रेस ऑफिस, देर से लौटूंगा। अरे स्वदेशी पागलपन कब बंद करेगा तू? आप विदेशी कपड़ों का व्यापार कब बंद करोगे? लगता है कि पक्का शुजुदा हमारी कुछ ना कुछ मदद तो करेंगे। क्या लगता है, मैदान मिलेगा कि नहीं? तुझे क्या लगता है? अरे सुनो, ए रुक रुक, अरे इसे क्या हुआ? उधर क्यों जा रहा झिंकू? क्या कर रहे हो? वेट, पुट इट बैक, आई सेड पुट इट बैक। अरे साहब, अरे मार कर, चले कर, जतिन दास की मृत्यु एक और घृणास्पद घटना है, पर हमारा गांधी जी के पथ पर अनुसरण करना ही उचित है। अहिंसा और असहयोगिता के मार्ग पर चलकर ब्रिटिश सरकार को जवाब देना ही होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब हमारी मीटिंग शुरू करते हैं। कांग्रेस में और हमारे लक्ष्य में क्या फर्क है? कुछ नहीं, लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते अलग हैं। गांधी जी ने देश के क्रांतिकारियों से विनती की थी कि एक साल के लिए वो हिंसा के मार्ग पर ना चलें, और हमने उनकी इच्छा का आदर किया। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते ही गए, और आज वो एक साल पूरा होता है। और अब भारत की स्वतंत्रता का सपना यहां चौटोग्राम से शुरू होगा। चौटोग्राम में? शोजुद, आपका प्लान क्या है? ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण जगह है जहां से ब्रिटिश सरकार राज करती है? कंटोनमेंट, आर्मरी, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस लाइंस, इन सभी जगहों पे एक ही दिन धावा बोलेंगे, और यहीं से हमारी शुरुआत होगी। ये क्या कह रहे हो शुजोदा? इतनी सारी जगहों पर एक साथ, क्या ये मुमकिन है? हाँ,
अगर हम सही तरह से प्लानिंग करें तो। लेकिन इसके लिए तो बहुत लागत की जरूरत पड़ेगी। इतने रुपए आएंगे कहां से? आएंगे, लाएंगे ब्रिटिश सरकार से, उन्हीं के हथियार और निशाना भी उन्हीं को बनाएंगे। शुरजो, ऐसे हुआ तो हलचल मच जाएगी शुरजो। हाँ, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़ें जो पूर्ण समर्पण के साथ इस देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। आ रहा हूं। तुम लोग फिर से आ गए। तुम लोगों को एक बार कह दिया ना, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हम ये कहने आए हैं कि हमें अपना मैदान नहीं चाहिए। अरे ये तो और भी अच्छी बात है। अब जाओ यहाँ से। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमने तय कर लिया है, हमें मैदान मिले ना मिले, हम इन गोरों को यहाँ से निकाल भगाएंगे। इसलिए आए हैं। क्या हुआ टेगरा? वो गोरे अफसर ने झुंकू को बेरहमी से मारा दादा, और टेगरा और देवा को भी मारा उन लोगों ने। अगर ऐसे ही बैठे रहे तो कल हम सबको पीटेंगे। कुछ तो करना ही होगा। तो क्या सोचा है? हम आपकी मदद करेंगे, आप जो कहेंगे हम करेंगे। हाँ। ठीक है, तुम हमारी मदद कर सकते हो, लेकिन क्रांति में जान भी जा सकती है। क्या इसके लिए तैयार हो? जी शुजुदा। लेकिन एक शर्त है। शर्त? बोले क्या शर्त है? इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, अपने माता पिता से भी नहीं। जी शुजुदा, हम हमारे माता पिता से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ। अच्छी बात है। कब कहाँ आना है टेगरा तुम्हें बता देगा। ठीक है, सूर्योदा, आप इन बच्चों से ये क्या वादा कर बैठे? बच्चे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य बचकाना। नमस्कार सूर्योदा। नमस्कार प्रीतिलता, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। यह मेरी सहेली कल्पना दत्ता। नमस्कार सूर्योदा। नमस्कार, कहिए। सूर्यो, प्रीतिलता और कल्पना दोनों वुमेन्स कांग्रेस के काम में पिछले एक साल से हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अब हम क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं, लेकिन आप पहले से ही वुमेन्स कांग्रेस का एक हिस्सा हैं, फिर हमारी क्रांति से क्यों जुड़ना चाहती हैं? क्योंकि हम आपके विचारों से सहमत हैं। क्रांति का रास्ता ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है जो स्त्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है। सूर्योदय, हम मानते हैं कि हम अपने क्रांतिकारी भाइयों से शारीरिक क्षमता में कम होंगे, लेकिन अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का, उसके लिए जान देने का हक क्या हमें नहीं है? क्या सिर्फ इस एक वजह से हम अपने देश की आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं कर सकते? क्या ये गलत नहीं है? क्रांति की लड़ाई है अन्याय के विरुद्ध, क्या हमें यूं रोकना अन्याय नहीं है? सूर्योदय, हम भी आपकी इस क्रांति में मदद करना चाहते हैं।
ठीक है, मैं आपको एक काम सौंप के देखता हूं। बताइए क्या करना होगा। ब्रिटिश कंटोनमेंट, जहां अंग्रेजों के सारे हथियार गोले बारूद हैं, उसका ग्राउंड प्लान लाना होगा। और अगर इस काम में आप सफल रहे तो आप दोनों भारतीय गणतंत्र सेना का एक हिस्सा होंगे। ठीक है, ठीक है। गाड़ी निकालूं? नहीं, मैं साइकिल पे चली जाऊंगी। दुलाली को बता दिया? हाँ बता दिया। तुम कौन? जी मैं भूलू, और ये मैं रानी, हम दुलाली की भतीजी हैं। कौन दुलाली? अरे दुलाली मौसी। हाँ। वो यहाँ पे रोज साफ सफाई करती है ना, आज बीमार है, वो काली खांसी हो गई है ना। ठीक है ठीक है, तुम जा सकती हो। रुको। हाँ? कभी अंदर गई हो? नहीं। ठीक है, सिपाही को भेजता हूँ। जी माणिक, चलिए। अटेंशन प्लीज, अटेंशन, क्रॉसिंग डाउन एम, अटेंशन। पहले ये कंटोनमेंट का पिकाडिली सर्कस है, काम यहां से शुरू कर सकते हो। Deny. क्या अब हम भारतीय गणतंत्र सेना का हिस्सा बन सकते हैं? एक महत्वपूर्ण हिस्सा। तुम जा सकते हो। रुको, एक एक करके। पिता का नाम क्या है? बोरुण कुमार घोषाल। तुम घोषाल मोशाय के बेटे हो? हाँ। उन्हें पता है तुम यहाँ आए हो? नहीं, कल बता दूंगा। एक काम करना, परसों माता जी को बता देना।
नाम क्या है? प्रोजेक्ट शेन। क्रांति में हिस्सा क्यों लेना चाहते हो? मेरे दोस्त को मारा, अब मैं उनको मार भगाना चाहता हूं। चोट से डर नहीं लगता? तुम में ऐसा क्या है जिसे तुम हमारी मदद कर सकते हो? पता नहीं, लेकिन आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। क्रांति में हिस्सा क्यों लेना चाहते हो? हम हमारा फुटबॉल मैदान छुड़ाना चाहते हैं। ठीक है। हे, एक एक करके आओ। ये मेरा छोटा भाई है। नाम क्या है? आनंद गुप्तो। देवा गुप्तो। पिता का नाम क्या है? जोगेंद्र मोहन गुप्तो। क्रांति में हिस्सा लेने क्यों जाते हो? आप क्यों हिस्सा ले रहे हैं? सोला, तेरा। शांति दत्त 14, 17, 18, 17, 16, 16, 14, 20, 20. क्रांति अमर रहे। 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 हाँ, कहाँ जा रहे हो? जीबॉन क्या? पढ़ने। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है पिताजी। ठीक है, ज्यादा देर मत करना। क्या पढ़ाई? नहीं नहीं, वापस लौटने में ज्यादा देर मत करना। ये रहा, लड़के आ गए हैं। हम यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि ये हमारी ताकत देखना चाहते हैं। ताकत? जोर लगाओ। हम भी कितना? चुका हूँ। बस बस। मैं। हाँ। आ, 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 आ,
भेजरा शाबाश शाबाश और दो कम से कम 5 करने हैं चलो जोर लगाओ इतना हल्का हाँ चलता है गणेश दा आज पहला दिन है ना आज पहला दिन एक खींच एक और चले बा ऊपर वंदे मातरम वंदे मातरम अरे वंदे मातरम का क्या मतलब है पता नहीं तुझे पता है वंदे मातरम हाँ नहीं वंदे मातरम का मतलब है माँ तुम्हारी वंदना करता हूँ माँ देश माँ देश माँ बोलते हैं तो अच्छा लगता है ना वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम देवा देवा उठ जा देर हो गई चुनकू उठो मार लिया गोल चल अब उठ जा नाश्ता तैयार है अरे चिबॉन बेटा जल्दी करो स्कूल का समय हो रहा है माँ कुछ ठीक नहीं लग रहा क्यों क्या हुआ पता नहीं पर सर में बहुत दर्द हो रहा है कोई बात नहीं आज स्कूल मत जाओ नाश्ता कर लो खा लो बेटा जीवन बाबा झुमकू बाबा पूछ रहे हैं आप पढ़ने के लिए कब आएंगे आज से तुम सब हमारे संगठन भारतीय गणतंत्र सेना का एक हिस्सा हो हमारा प्लान ये है कि कम से कम चट्टोग्राम से अंग्रेजों के राज को खत्म करना और हमारी इस कोशिश को सारे भारत में एक उदाहरण बनाना इस काम के लिए हमें 5 जगहों पे कब्जा करना पड़ेगा ब्रिटिश सरकार का राज जहां जहां से चलता है आर्मरी कंटोनमेंट पुलिस लाइंस टेलीग्राफ ऑफिस इन सभी जगहों पे हम 18 अप्रैल को धावा बोलेंगे और फिर शुरू होगा भारत की स्वतंत्रता का सपना यहां चट्टोग्राम से क्या देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो वंदे मातरम वंदे मातरम ये देश है मेरा ये देश है मेरा ये पूछ रहा है कहां है सवेरा एक आखिरी बार सोच लो इन लड़कों को कल्पना प्रीतिलोता को क्रांति में शामिल करना है बिल्कुल अंबिका दा क्रांति का ऐसा बनने की चाह उनमें हमारे बराबर की है और हमें उनकी जरूरत भी है जिन जिन जगहों पे हमें नजर रखनी है अगर ये हमारे साथ रहें तो किसी का भी संदेह हमारे ऊपर नहीं होगा चलो
5 टीम्स होंगी। नागलकोट रेलवे लाइन, लोकनाथ, लालमोहन, तारकेश्वर, उपेंद्र, टेलीग्राफ ऑफिस, ओम्बिकादा, आनंदो, तेबा, बिरेन, ब्रिटिश कंटोनमेंट, निर्मल, टेगरा, हिमांशु, शांति, पुलिस लाइन्स, गणेश, झुंकू, जिबॉन, विदु, हरिपद, यूरोपियन क्लब, अनंत, रजत, फकीर, नरेश, त्रिपुरा। कल्पना, आप नागलकोट रेलवे लाइन पे जाएंगे और प्रीति लता ब्रिटिश कंटोनमेंट। इन सब जगहों पे नजर रखनी है। एक बात याद रहे, याददाश्त एक घायल हाथी की तरह रखना। जो कुछ भी दिखे मन में छाप लो, क्योंकि इन जगहों पे कैमरा ले जाना खतरे से खाली नहीं है। इतना कुछ याद रखोगे? जी, जी। क्रांति हमारे, क्रांति हमारे, क्रांति हमारे, क्रांति हमारे, क्रांति हमारे। पुलिस लाइंस आर्मरी, यहां से हमें मस्केट राइफल्स को अपने कब्जे में करना है। मेन गेट पर 2 सिपाही, टावर पर 2 और अंदर करीब 3-4। टेलीग्राफ ऑफिस, यहां पर सिर्फ 1 सिपाही तैनात होता है। कहां तार करनी है? कोलकाता। टेलीग्राफ सेवा के साथ साथ चट्टोग्राम की सारी टेलीफोन लाइंस का कनेक्शन भी यहीं से किया जाता है। इसे उद्ध्वस्त करना बहुत जरूरी है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ब्रिटिश कंटोनमेंट। हम यहां से 303 राइफल्स हासिल करेंगे। हर टीम अपने अटैक के बाद यहीं पर इकट्ठा होगी और यहीं पर हम अपना झंडा लहराएंगे। यहां पर 3 टावर्स हैं, हर टावर पर 2 सिपाही और मेन गेट पर 3। यूरोपियन क्लब, यहां पर सिर्फ 2-4 गार्ड्स का ही पहरा होता है, कोई सिपाही नहीं। अटैक की रात सब गोरों को यही बंदी बनाकर रखना होगा। चलो। चट्टोग्राम को कोलकाता से जोड़ने वाली नांगलकोट रेलवे लाइन। इस सुनसान जगह पर हमें ऐसी बाधा खड़ी करनी पड़ेगी जिससे ट्रेनों का आना जाना बंद हो जाए। हमें यह पता लगाना होगा कि आखिरी ट्रेन कितने बजे आती है। 9:50। ठीक उसी समय हम अटैक शुरू करेंगे। सपना ऐसा देखा है तो सच भी है करना, तस्वीरें बनाई है तो रंग भी है भरना। दिल मेरा ये कह रहा है सपनों का सच से तो होगा संगम। अंधियारा तो पुराना है, सूरज नया बनाना है। ये देश है मेरा, ये देश है मेरा, ये पूछ रहा है कहां है सवेरा। ओम्बिकादा, 4 गाड़ी और 25 साइकिलों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, कुल मिलाकर 54 लड़के हैं। 54 लड़के। कितने रुपए की जरूरत है? 18,000 रुपए। सुनो सुनो, सब यहां आ जाओ। क्रांति के लिए जितनी जरूरत ताकत की होती है उतनी है पैसों की। हमें कम से कम 18,000 की जरूरत है। चुरजोधा ने अपने स्कूल का वेतन और पूरी जमा पूंजी से शुरुआत की है। सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए और जितना हो सके उतना योगदान कीजिए। ठीक है? पैसे या रुपए? रुपए, 18,000 रुपए। कोपार से ले लो।
इतना तो क्रांति के लिए मैं कर ही सकती हूँ। इसे मस्कट गन कहते हैं और इसे मस्कट की गोली। इसे यहां डालकर सरिये से दबाना पड़ता है और फिर एम एंड फायर। जिबोन तुम दिखाओ। पकड़ना। अटैक के वक्त तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, खुद करो। एम। सरिया अपनी जगह रखो। ने चोरी की। चोरी? हाँ चोरी। फकीर क्रांति के लिए पैसे देना चाहता था, लेकिन इसके पिताजी ने इसे चोरी करते हुए पकड़ लिया और इसे बहुत मारा। कि तुमने चोरी क्यों की? सब कुछ ना कुछ मदद कर रहे हैं, मैं किसी काम नहीं आ रहा इसीलिए। लेकिन तुम मदद तो कर रहे हो। मैं? कैसे? तुम्हारा क्रांति में हिस्सा लेना बहुत बड़ा योगदान है। तुम्हारा यहां होना ही हम सब के लिए बहुत बड़ा हौसला है। वादा करो तुम कभी चोरी नहीं करोगे। मैं वादा करता हूं। अंबिका दा। हाँ बोलो। हमारे पास देने के लिए कुछ रुपए नहीं है, पर एक चीज है। क्या? हमारी साइकिल चलेगी? चलेगी। मेरे 2 रुपए। सेकंड हैंड साइकिल किनती चाहिए। ऐ और पेछुने जो पुरानो साइकिल आछे ना बार कर। ठीक है। 500 रुपए मेरे और दादा की तरफ से। ये अंग्रेजों की नई बंदूक है, 303 राइफल। इसकी खासियत ये है कि मस्कट की तरह हर गोली चलाने के बाद इसे सरिये से साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्द लोड हो जाती है। यह इसकी गोली है, इसे ऐसे लोड करते हैं। लीवर को अपनी तरफ खींचो, गोली को चेंबर में डाल दो और फिर लॉक कर दो। अब यह चलाने के लिए तैयार है। मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? पैसे? हाँ। बेटा, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। ठीक है, जाओ। अरे जिबोन, जिबोन, अरे क्या हुआ? जिबोन बोलो। अंबिका दा, मैं रुपए नहीं ला सका। गुशाल मुशाए के बेटे हो ना? तुम्हारे पास तो 4 गाड़ियां हैं। मैं वो भट्टाचार्य बाबू के यहां जा रहा हूं, ग्राहकों का ख्याल रखना और चेहरे पे थोड़ा मुस्कान लाओ वरना कोई नहीं आएगा।
क्षमा तो चाहिए मांगशु। और एक बात याद रखना, कोई कितनी भी जल्दी करे, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सोचना। अनंता, अनंता बाहर आइए ना। क्यों, क्या बात है? पहले बाहर तो आइए। क्या है बाहर? गाड़ी। हाँ। तुमने घर पर क्या बताया? मैंने गाड़ी का पुर्जा निकाल लिया, इसलिए गाड़ी गई गैराज में। अब ठीक होके आ गई है, लेकिन हमारे पास है। जब अपना काम हो जाएगा तब घर ले जाऊंगा। मैकेनिक काका, आप जाइए, चलानी है। किसकी गाड़ी है ये? गोशाल मोशाए। अनंत संभल के हैं। अंबिका दा, ये क्या है? मेरे गहने। अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। इसे रिवॉल्वर कहते हैं। इसमें मस्केट की तरह बार बार गोली लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक साथ 6 गोली दाग सकते हैं। 6 गोली? हाँ। हम सबको एक एक मिलेगी? नहीं नहीं, अभी 3 है, 4 और आएंगी। तुझे वही मिलेगी, लंबी वाली मस्केट। हमारे पास केवल एक मस्केट, एक 303 और 7 रिवॉल्वर होंगी। बाकी हथियार हम धावे की रात आर्मरी से उठाएंगे। ने जो जो सामान बताया था वो सारा सामान इसमें है। बहुत मुश्किल से लाया हूं। तारकेश्वर दा, तो क्या हम आज यहां बम बनाएंगे? नहीं नहीं, यहां नहीं, पहली बार कोशिश कर रहे हैं। हमें जंगल में जाके कोशिश करनी होगी, और वैसे भी कल्पना दी की जरूरत पड़ेगी। बारूद तैयार हो गया है? हां कल्पना दी, अब ठीक मात्रा में मिला दीजिए। जी। कल्पना, बारूद ज्यादा डल गया था। तारकेश्वर, तारकेश्वर, अंबिका दा, अब तक कितने पैसे इकट्ठे हुए? 15,000 रुपए। सब कुछ ना कुछ योगदान कर रहे हैं, और अब कल्पना और प्रीतिलोता की मदद से तो सारा पैसा समय पर इकट्ठा हो जाएगा। कल्पना ने बहुत सारे गहने दिए हैं, और प्रीतिलोता ने अपने कंगन। बहुत मिलती जुलती है। एमॉन द वैलेरा ने कहा है, वी ऑफ आयरलैंड
and you of India must each of us endeavor. बस यही कि कब हम खुली हवा में सांस लें। तुम ये क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? ये परिवार का नाम बदनाम करने पर तुली हुई है। बाबा, अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने से हमारे परिवार का नाम बदनाम कैसे हो रहा है? चुप रहो, एक शब्द और नहीं।
तुम्हें बहकाया जा रहा है। तुम कल पहली ट्रेन से कलकत्ता जा रही हो। बाबा, हमें किसी ने बहकाया नहीं है, ये हम सभी हिंदुस्तानियों की लड़ाई है। हम कलकत्ता जाकर पढ़ेंगे और अपना अपना जीवन सुधारेंगे, बस। हर हिंदुस्तानी केवल अपने ही बारे में सोचता रहेगा तो हमारी स्वतंत्रता का क्या होगा? कल्पना, बस मत करो, अपनी बाबा की बात समझो। इस तरह हिंसा के मार्ग पर चलकर क्या पाओगी तुम? स्वतंत्रता मां, तुम्हें कोलकाता जाना है, जाना ही होगा, ये तय है। बहुत हो गया, तुम कल्पना के साथ पढ़ाई के लिए कोलकाता जा रही हो। तुम्हें अपने पिताजी के आदेश अनुसार कोलकाता जाना चाहिए। वहां जाकर हमारे बाकी क्रांतिकारी साथियों से मिलोगी और बम बनाने के सामान को यहां भेजने में मदद करोगी। मैं आपसे दूर नहीं जा सकती, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। कल्पना, मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारा एक बात जानना बहुत जरूरी है। इस क्रांति में हिस्सा लेने से पहले उनसे कहा कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं, उस रास्ते पे मैं चाहूं भी तो घर परिवार की जीवन को नहीं निभा पाऊंगा। उनसे यह भी कहा कि वो मुझे भूल जाए और अपना घर किसी और के साथ बसा ले। मेरे आदर्शों की वजह से एक बार जिस तरह हमें पहाड़े याद हैं, उसी तरह हमें इस प्लान को याद रखना होगा। अंबिका दा, ठीक 9:50 पर मैं और मेरा समूह टेलीग्राफ ऑफिस उद्ध्वस्त कर देगा, ताकि चट्टोग्राम का वास्ता इस शहर से ही नहीं बल्कि पूरे देश से कट जाएगा। उसके ठीक 5 बाद गणेश और मेरा समूह पुलिस लाइन पे कब्जा करके सारे हथियार अपने कब्जे में ले लेगा। निर्मल, लोकनाथ और मेरा समूह ब्रिटिश कंटोनमेंट में तैनात सिपाहियों को बंद करने के बाद AFI आर्मरी के सारे हथियार भी अपने कब्जे में ले लेगा। अनंत, मैं और मेरा समूह यूरोपियन क्लब पर धावा बोलेंगे और वहां आए सारे गोरों को अपनी बंदूक की नोक से गिरफ्त में रखेंगे, जिससे कि हम अपने काम को बिना किसी परेशानी के अंजाम दे सकें। लालमोहन,
ठीक 9:50 पर ही हम नंगलकोट रेलवे स्टेशन के पास रेल पटरी पर अवरोध खड़ा कर देंगे, ताकि ना तो कोई सेना से भरी ट्रेन या कोई और भी ट्रेन चट्टोग्राम आ सकेगी और ना ही यहाँ से जा सकेगी। गणेश दा, पुलिस लाइन से हथियार लेकर मैं और सुरजोता अपने समूह के साथ ब्रिटिश कंटोनमेंट की ओर बढ़ेंगे और फिर आर्मरी पर कब्जा करेंगे लोकनाथ, और फिर स्थानीय जेल पर हमला करके सारे क्रांतिकारी भाइयों को आजाद कर लेंगे और उसके बाद इंपीरियल बैंक पर हमला। और अगली सुबह जब पूरा चट्टोग्राम जागेगा तो एक नई रोशनी लेकर हथियार हमारे हाथ में होंगे और हमारा चट्टोग्राम आजादी की सांस लेगा। अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं अटैक के लिए। ए, क्या कर रहे हो यहां? निकलो यहां से, चलो निकलो। अब हमको रोके न टोके कोई, हमको बढ़ाने हैं आगे कदम। बाद रहेगी अब होके कोई, पीड़ा उठाते हैं आज ये हम। इनाम पाए के पाए सजा, इसकी नहीं हमको कोई भी परवाह। करना है क्या हमें है पता, हमने अपने दिल में जो सोचा है वो तो होगा। खेले हम जी जान से, 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 खेले हम जी जान से। 16, 17 क्या देख रहे हो? आपको जाओ जाओ अपना व्यायाम करो, चलो चलो चलो। इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसे कपड़े में डालकर किसी के नाक पर रख दिया जाए तो वो बेहोश हो जाता है। वो क्लोरोफॉर्म मैं गेट पर खड़े गार्ड्स पर इस्तेमाल करूंगा और फिर अंदर जाके सारे बैरक्स को बाहर से बंद कर दूंगा। तब तक मैं AFI आर्मरी पर खड़े गार्ड को अंग्रेज होने का चकमा देकर आर्मरी का दरवाजा खुलवा लूंगा। और ये सब बिना कोई गोली चलाए। गोली सिर्फ तब चलेगी जब हमारी जान को खतरा हो। अब तक 3 ही बम बने हैं। पर ताराकेश्वर दा, ये हाथ में तो नहीं फूटेगा ना? टेकरा, उसका कान ठीक होता ना तो वो तुम्हारे सर पर ये बम फोड़ता। क्या? अरे टेकरा कह रहा है कि अब गोरो का सर नहीं बचेगा। क्या बात है हिमांशु? सब तैयारी हो गई? कहीं कुछ छूटा तो नहीं? नहीं, 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 नहीं। कल सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार होना चाहिए। बस
वकील कहाँ जा रहे हो? कब लौटोगे? शाम को। बाबू जल खबर तो खाई जाए मांगशो। फिकर मत कर माँ। एक और गाड़ी आ गई। चलो चलो पटरी से हट जाओ। महेंद्र विजय हटो। सब लोग पटरी से हट जाओ। बैठ जाओ। तार तुरंत भेजनी है। ए, बंद हो गया। बहुत जरूरी है दादा, कृपा करें। एक बार बोला तो समझ में नहीं आया क्या? लामात खड़े रहो।
कहाँ गए सब? कौन? सारे गोरे। वो सब तो घर गए, आज गुड फ्राइडे इस वजह से जल्दी चले गए। गुड फ्राइडे। हरी पता भी दो, जाओ। शांत्री जी, ठेकेदारी पारा जाने का रास्ता कौन सा है? आमरा रास्ता हारिए फेले ची। এত রাত্রে কোথা থেকে আসছো? হাওড়া, হাওড়া থেকে। এদিকে সোজা চলে যাবি, একটা মোড় পড়বে। তারপর সোজা চলতে থাকবি। সোজা? হ্যাঁ সোজা। বান্দিকে? তোর মাথা পাতা খারাপ নাকি? না। এদিকে সোজা চলে যাবি, একটা মোড় পড়বে, ওখান থেকে বাঁদিকে যাবি, তারপর সোজা চলতে থাকবি। ये गेट पर क्या हो रहा है? तुम सब जानते हो तुम्हें क्या करना है। चलो। Open the gate. Yes, sir. Yes, sir. जब तक मैं अंदर ना चला जाऊं, यहीं पे रुकना। कैसन हो? ठीक है, आप कौन? निर्मल। किसे मिलना है? उसका नाम एक मिनट, उसका नाम मिल गया।
चलिए। आर्मोरी का दरवाजा खोलो। कौन है आप? बाहर निकलो। कौन है आप लोग? गोली चली, देख तो। Who are you? गोलियां कितनी हैं? है, लेकिन कम। टिगरा, निकाल। दूसरी तरफ से जा। निर्मल, दूसरी तरफ से। मैं सामने से जाके उन्हें बहकाने की कोशिश करता हूं। टिगरा, संभल के। जी दादा। ऑफिसर है, रुक जाओ, गोली मत चलाओ। भले इन्होंने गुलामी की, लेकिन थे तो हिंदुस्तानी। माफ करना भाई। एक बुरी खबर है। क्या? यूरोपियन क्लब में कोई नहीं था। कोई नहीं था मतलब? आज गुड फ्राइडे है, इसलिए लोग पहले चर्च गए और फिर सीधे घर। अनर्थ। इसका मतलब है कि सारे अफसर अपने घर पे होंगे। शुरजुता, कंट्रोल रूम में आग लग गई है। काली किंग और त्रिपुरा पुलिन, तुम लोग यहीं रुकोगे, बाकी सब कंट्रोल रूम चलेंगे।
सर सर टेरिबल न्यूज सर द पुलिस लाइन आर्मी हैज बीन अटैक्ड बाय द रेवोल्यूशनरीज व्हाट ऑपरेटर द लाइन हैज बीन कट गो इनफॉर्म मिस्टर विल्किंसन एंड आस्क हिम टू कम टू द कंटोनमेंट यस सर फार्मर एंड आई विल आल्सो रश देयर जल्दी यस सर हो सके उतने राइफल्स उठा लो अब कारतूस यूनिफॉर्म्स इसमें तो सिर्फ बेल्ट्स हैं चाहिए थे निर्मल तो रोकना था कोई गाड़ी आ रही है ये तो गोरे अफसर की गाड़ी है सब लोग छुप जाओ This is a major attack, sir. There are 50 soldiers in the barracks here. I'm sure they have been locked in. The telegraph office has been smashed. We must get the message to Calcutta. You stay here. I will get to the ship somehow. All right, sir. Hey, you're a car. Behind the wall. Quickly. क्या सब ठीक है हाँ सब हथियार लेकर कंटोनमेंट में चले गए तेरे और साथी पीछे से साइकिल पर आ रहे हैं तुम लोग भी वहीं पहुंचो ठीक है चलो चलो जल्दी चलो और गाड़ियां आ रही हैं ये तो आनंदा है लोकनाथ क्या खबर बैरक्स में सिपाही बंद है और सब संतरी मारे गए तो आखिर आर्मरी पर कब्जा कर ही लिया हाँ। लेकिन एक बुरी खबर है वो क्या हमें सिर्फ हथियार ही मिले लेकिन कारतूस नहीं क्या अब हमारे पास सिर्फ हथियार है जो हमारे किसी भी काम के नहीं है जोता इन सारे गोरों ने कारतूस का यहां छुपा के रखा
उठो अरे दरवाजा बंद है कंपनी फॉल इन लाइन की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है ठीक है जुबोन आनंदो फायरिंग चालू रखना जुबोन की गाड़ी ऑटो लेकर आते होगा आनंद आनंद के लिए इंतजार कर हिमांशु क्या हुआ हिमांशु क्या हुआ क्या हुआ ये सब अरे कुछ तो ये सब बताता क्यों नहीं मुझे फिक्र मत कीजिए डॉक्टर सब आ रहे हैं अरे पर लेकिन ये सब कैसे क्या बता दो कौन किया ये हाल मेरे बच्चे का तुम जुबान हो ना क्या हो रहा है ये सब तुम्हारे हाथ में बंदूक क्यों है क्या कर रहे हो तुम लोग काका बाबू हम सब ने शुजिता के साथ मिलकर कंटोनमेंट पर हमला किया है और हिमांशु बुरी तरह जल गया है क्या रजत भी तुम्हारे साथ है हाँ काकी माँ रजत और बाकी सब भी कंटोनमेंट में है तुमने चट्टुकड़ा मास्टर का लूट कर चो आइए डॉक्टर साहब डॉक्टर बाबू जल्दी कुछ कीजिए ना
सुरजो, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और तो गणेश भी अब हमारे साथ नहीं है। कंटोनमेंट के मुख्य द्वार पे कोई नहीं है। वहां से निकलकर जंगल की ओर चलते। They're only teenagers. शांति, क्या हुआ? गोली गोली चुके निकल गए। सब सब कहाँ हैं? पता नहीं, सब निकल गए। ठीक है, चलो यहाँ से। ठीक है। कल रात क्रांतिकारियों ने कंटोनमेंट और पुलिस लाइंस आर्मरी पर धावा बोल दिया। कमाल कर दिया सूर्य सेन ने। अपने आप को इंडियन रिपब्लिकन आर्मी कहलाते हैं, ये पर्चा पढ़ा है किसी ने? हाँ, पढ़ा मैंने। सूर्य सेन के साथ 60-65 क्रांतिकारी भी थे। शॉप चट्टोग्राम के थे, उनमें कई 13-14 वर्ष के लड़के भी। 13-14? हाँ हाँ। अरे तुम्हारा बेटा कल रात घर नहीं लौटा ना? कहीं क्या है? চট্টগ্রাম অষ্টকাল লুণ্ঠন, বিপ্লবীদের জানা ছিল না যে এই ধরনের বন্দুকের সঙ্গে গুলি থাকে না। ক্যা গুলি আর বন্দুক একসাথ নেই রাখতে? Well, sir, we witnessed about 60 of them leaving the cantonment, and currently, sir, thank you. Yes, we are pretty sure that the revolutionaries have moved into the jungle track, sir. They have taken about 60 muskets from the police lines and a large number of musket balls, but not sufficient for a full-scale revolt. Sir, we have employed our entire troops in the search, but we need reinforcements, sir. Get troops from Calcutta right away. Do you know who you want to get? Yes, sir. Lieutenant Colonel Dallas of the Eastern Frontier Rifles. Asanola? Yes, sir. You will work under him. Yes, sir. কল্পনা, এই কল্পনা, কোথায় গেছিলি? এই একটু খেতে চল। তুই যা, আমি পরে আসি। ঠিক আছে, চল। জলদি বন্ধ করো।
आज की खबर सुनो। क्या? रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट एट चिटागोंग, सीरियस आर्म्ड राइजिंग एट चिटागोंग, देयर वाज इंटेंस फायरिंग बिटवीन द ब्रिटिश सोल्जर्स एंड द रेवोल्यूशनरीज बिफोर दे एस्केप्ड। पर सब बचकर निकल गए, ये अच्छी खबर है। पता नहीं कहां सब भटक रहे होंगे। हमें चोक्टोग्राम चलना ही होगा अभी। मुझे घर की बहुत याद आ रही है। अब तक तो पिताजी को भी पता चल गया होगा। पिताजी को क्या, पूरे चोट्टोग्राम को पता चल गया होगा। मैं तो गया। को ले गया मास्टर दा, जल्दी चलिए। क्या करें? झाड़ियों का सहारा लेते हैं। मस्किट्स भी हमारे पास काफी हैं। उनकी 303 से टक्कर लेना मुश्किल नहीं होगा। चलो to the Jalalabad Hills, sir. We have information they're up there, sir. We will take them by surprise and shoot them through the trees. Company, fall in. Company, fall in line. The Lewis. Reload karo, jaldi. दादा, दादा, क्या मैं मरने वाला हूँ? नहीं, मुझे चक्कर आ रहा है दादा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप कहाँ हो दादा? मैं यही हूँ, तुम्हारे पास।
माँ से कहना। टिग्रा, 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 विदु, हरिपदा, टिग्रा गया। सबको लेकर निकलो, लड़कों को यहां से ले जाओ। तब तक मैं इन गोरों को यहीं रोकने की कोशिश करता हूं। हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। कुछ मत कहो, सबको ले। Teenagers. It was an elaborate plan, sir. Bring them here, search them, then burn them.
शुरजदा ने हम में से कई लोगों को घर तक पहुंचा दिया। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर हमें 303 राइफल्स के कारतूस मिले होते तो आज चोटोग्राम का इतिहास कुछ और ही होता। जलालाबाद की लड़ाई कभी होती ही नहीं और हमारे इतने सारे साथी कभी मारे नहीं जाते। फिर भी हमें हमारी कोशिश पर गर्व था, क्योंकि हमारी इस क्रांति से लंदन में बैठे हुए ब्रिटिश अधिकारियों को भी पता चल गया था कि उनके शासन का अंत करीब है। लेकिन हम ये भी जानते थे कि जवाब में वो तब तक चैन से नहीं बैठने वाले थे जब तक कि हमारा हर एक साथी पकड़ा नहीं जाता। सिपाही, सर यही है वो जिन पर हमें शक है, कहते हैं कलकत्ता जा रहे हैं। क्या हुआ गोरा साहब, हमें गाड़ी से क्यों उतारा? टेक देम इनसाइड, इनको अंदर लेके चलो, चलो। What are the names? साहब पूछ रहे हैं नाम क्या है, चलो नाम बताओ। मैं जयंतो, ये मुलई, ये बुलई, ये शंभू और ये गोपाल। And where are they from? कहां के रहने वाले हो? फौजदारहाट। Why are they going to Calcutta? कोलकाता क्यों जा रहे हो? जी, कपड़े के व्यापारी हैं। Sir, they do business in cloth. Cloth merchant? Well then where are all your bags? कपड़े के व्यापारी, बैग्स कहाँ है तुम लोगों के? हमें जाने दीजिए बड़ा साहिब, हम लोग बहुत परेशान हैं साहिब, हम किसी को नहीं जानते, हमारा विश्वास कीजिए साहिब। बड़े व्यापारी ने बहुत बड़ा धोखा देकर हमारा सारा सामान ले लिया साहिब, सारा सामान ले लिया। गरीब पर रहम करिए साहेब, गरीब को जाने दो साहेब, हमें जाने दीजिए बड़ा साहेब, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दो। You are lying! चुके हो, बच के निकल नहीं पाओगे। जिमोन किधर आ? आनंदा शांति, हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते। ठीक है, एक ही रास्ता है। मैं इनको यहां रखने की कोशिश करता हूं, तुम इन दोनों को लेकर निकलो, मैं शांति को लेकर आता हूं। जाओ चलो चलो। निकल निकल शांति।
परेशान थी। जलालाबाद के घमासान मुठभेड़ में लेफ्टिनेंट कर्नल डलस्मित ने सुरजू सेन और उनके युवा साथियों को धराशायी कर दिया है। क्रांतिकारियों की मस्कट राइफल ब्रिटिश सरकार के लुइस गन का सामना करने में नाकाम रही। फिनिश स्टेशन पर क्रांतिकारियों के एक और समूह से मुठभेड़ के समाचार हमें मिले हैं, जिसमें एक युवा क्रांतिकारी की मौत हुई और बाकी बच निकलने में सफल हुए हैं। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने शहर के हर कोने पर छापे मारे और कांग्रेस ऑफिस से भारतीय गणतंत्र सेना के क्रांति से संबंधित कागजात जब्त कर लिए गए हैं। समाचार समाप्त हुए। चेकिंग हो रही है, तुम लीफलेट ले लो, मैं एसिड ले लेती हूँ। साथ जाने में खतरा है, दो लाइनें हैं, तुम बाईं से निकलो, मैं दाईं से आती हूँ, ठीक है? आप रुकिए, क्या है इसमें? सिर्फ पेपर है। खोलो। करो और मरो, क्रांति अमर रहे। डू एंड डाई, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। सिर्फ ये पेपर है? मुझे नहीं पता था इस पे क्या लिखा हुआ है। अब तो पता चल गया, यू आर अंडर अरेस्ट। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनता को भड़काने वाले अवैध कागजात आपके पास मिलने के कारण। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन्हें। सुनिए। अरे अरे उठो मत बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है, लेटो। घबराओ मत, गहरी चोट लगने की वजह से तुम बेहोश होकर गिर गए थे, पट्टी कर दी है, आराम आ जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अंबिका है, मैं क्रांतिकारी हूँ। तुम और तुम्हारे साथियों ने चट्टोग्राम पर धावा बोल दिया था? हाँ, लेकिन हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। किसी ना किसी ने तो जंग छेड़नी ही थी, फिर वो लहू ही क्या जो हक की लड़ाई में ना बहे। जब तक जख्म न भर जाए यहीं रुक जाओ, हमें पराया मत समझो। मैं अमजद हूं, ये सुल्ताना। आइए, दत्तो गुप्त मुसाई की वजह से इस बार हम आपको छोड़ रहे हैं, पर अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप जा सकते हैं।
तिवारी आश्रम, आश्रम नहीं मेरा घर है। सूर्जो बाबू और अन्य क्रांतिकारी पिछले 2 साल से यहाँ आ रहे हैं। मैं सूर्जोदा की मुंह बोली बहन हूँ। मेरे पति लाल बंगला विद्रोह के दौरान मारे गए थे। वो एक जमींदार थे। मेरे 2 बच्चे हैं, स्नेहलोता और अपू। प्रीतिलोता। नमस्कार मास्टर दा। कैसी हो? ठीक हूँ। कल्पना कैसी है? उसकी बेल हो गई है, पर उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, बस आपके आदेश की प्रतीक्षा में है। आपको भूख लगी होगी, खाना परोसती हूँ। अपू, मास्टर दा, जलालाबाद का सुनकर बहुत दुख हुआ। इस बार हमला पहाड़तली क्लब में होगा। अपने काम को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। अपने कई साथी या तो पकड़े गए हैं या उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है, इसीलिए यह काम आपके नेतृत्व में होगा। मैं वादा करती हूं मास्टर दा, सफलता के बाद ही वापस लौटूंगी। तुम्हें सुरक्षित देखकर इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। क्यों, मुझे क्या हुआ है? मैं तो ठीक हूं। तुम्हारे साथ होता हूं तो जीने की लालसा बढ़ जाती है। अब तो मौत से भी डर लगने लगा है। मैंने पाठ पढ़ लिया। बैठे रहना। We have reason to believe there are more people in here. Move aside. Thank you.
निर्मल। शुरू आप दोनों जाओ यहां से। नहीं, साथ चलेंगे। चलो, मैं नहीं आ सकूंगा। जाओ निकलो। उठो निर्मल। शुरू, तुम्हारा सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। क्रांति का जिंदा रहना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मा। It seems like the revolutionaries have split themselves into smaller groups. They were probably moving towards Calcutta. We've already sent a communique there, and Assam. The commissioner of police, Tegart, has taken charge. In Chittagong, raid every house, put the town on curfew, and double up your men. We will get them, sir. Dead or alive. मेरा घर। हे, कौन है तुम दोनों? बताओ, बताओ, बताओ। Tell us, where are your comrades? बताओ। नहीं, हम नहीं बताएंगे। हम कुछ भी नहीं बताएंगे। हम नहीं बताएंगे। हम नहीं बताएंगे। हमसे गलती हो गई। हिमांशु, शांति, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। गोली मत चलाना, जिंदा पकड़ना है। हाँ,
आने दो, मैं चला। जलालाबाद की लड़ाई में टिगरा, पिद्दू, नरेश, त्रिपुरा, प्रभाष सब मारे गए। और कल की खबर, रोजत और देबा ने खुदकुशी कर ली। देबा, देबा, मैं बताता हूँ, आनंदो को बताता हूँ। आनंदो, जिमोन, आनंदो, 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 देवा मर गया, अब वो नहीं आएगा। देवा मर गया? जीवन, मुझे घर जाना है, मुझे माँ बाबा से मिलना है। जीवन, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं घर जा रहा हूँ माँ बाबा से मिलने। मैं घर जा रहा हूँ। जीवन, नहीं नहीं, मुझे घर जाने दो। जीवन, मुझे घर जाने दो। कौन है इश्ता? मुझे यहाँ नहीं रहना। देवा, मुझे यहाँ नहीं रहना। माँ बाबा, माँ बाबा। अरे जीवन, जीवन, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। बाबा, बाबा, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। मैं आपसे आ आ आ आ आ गया। कौन है आप लोग? पुलिस। आनंदो, उठ 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 उठ। सिपाही आए हैं, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। हाँ?
Only the three of them? No, sir. Ek aur tha. Stop! Jivan! 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 Sir Charles Descartes ने बड़ी होशियारी और सतर्कता बरतते हुए अपनी फौज के साथ चंदन नगर के फ्रांसीसी इलाके से क्रांतिकारी गणेश घोष और लोकनाथ बाल को गिरफ्तार कर लिया है। खबर है कि 14 वर्षीय जिबोन घोषाल ने बचने का प्रयास किया और उसे गोली मार दी गई। क्रांतिकारी अंबिका चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के समाचार भी हमें मिले हैं। गिरफ्तार कर लो। वाहेगुरु, मैं आ गया। क्रांतिकारी अनंत सिंह ने रहस्यमय परिस्थितियों में कलकत्ता के एक पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। मेरे वाहेगुरु, मैं आ गया। मेरे वाहेगुरु, मैं आ गया। मेरे सच्चे पाशा, मेरे दादा, मैं आ गया, मैं आ गया। वाहेगुरु, मैं आ गया। मुझे माफ कर देना वाहेगुरु, मुझे माफ कर देना। कौन हो तुम? अनंत सिंह वाहेगुरु। क्या किया है तुमने? बहुत बड़ा अपराध किया है मैंने। शांति की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मुझे अपनी शरण में ले लो दादा। माफ कर दो मुझे, मुझे अपनी शरण में ले लो दादा। कैसे हिंदुस्तानी हैं आप लोग? आज हम उन सब की मौत का बदला लेकर रहेंगे जिन्होंने Ah!
मार डाला। कितने सारे, कोई नहीं रहा। सिपाही, मास्टर साहब, सिपाही, और नजदीक आ रहे हैं। तैयार। गोलियां खत्म हो गई हैं। सिर्फ 5 बची हैं। मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हैं। हम दोनों का यहां से एक साथ निकलना मुश्किल है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सामने के दरवाजे से निकलकर दाएं तरफ उनको चकमा देता हूं। सही मौका देखते ही बाकियों के साथ तुम लोग बाएं तरफ से निकल जाना, ठीक है? कल्पना,
Ambika Chakrabarti, Anant Singh, Ganesh Ghosh, Lokanath Bal are declared guilty under section 121 and we sentence them accordingly to transportation for life. Tarkeshwar Dastidar is charged with the murder of Sergeant Elliot and hence is sentenced to hang by the neck till he's dead. Fakir Sen, Subodh Roy, Ananda Gupta, Haripada Bhattacharji are declared guilty under section 121. We sentence them accordingly to transportation for life. Bukhi! Bukhi! Jalgo! Kanishna Bukhi! Tum tu namar gorm hoche! Rona wa Jalgo! Hame tum par garv hai! Kalpana Dutta's guilt is not comparable with that of Sergio Sen. Kalpana Dutta is declared guilty under section 121. We sentence her accordingly to transportation for life. Vande Mataram. Do you have anything to say, Mr. Sergio Sen? जो कुछ भी मुझे कहना था वो पहले ही करके दिखा चुका हूं। Sir, you admit your crime. अपराध? अगर अपनी आजादी के लिए लड़ना अपराध है तो हां मैंने अपराध किया है लेकिन उस अपराध का क्या जो आप बरसों से हम पे करते आ रहे हैं आपका शासन जिसे अपराध कहता है हमारी भाषा में उसे क्रांति कहते हैं। You took advantage of your status as a teacher and manipulated and corrupted the innocent, impressionable minds of children. अहम बात ये है कि अब इस देश के बच्चे भी नहीं चाहते कि आप यहाँ रहें। You even went to the extent of roping in young women like Kalpana and Pritilata as pawns of your own vested interests. इन्हीं स्त्रियों ने तलवार उठाकर आपके ही पूर्वजों का तख्ता पलट दिया था। So, you are guilty as charged of triggering a revolution. You are guilty as charged. जिन निष्पाप लोगों ने आजादी के लिए अपनी जान गंवाई है उनकी मृत्यु के जिम्मेदार आप और आपकी कठोर सरकार है क्रांति को ना तो मैंने जन्म दिया है और ना ही उसका अंत में तय कर सकता हूं क्योंकि यह तो एक प्रथा बन चुकी है जो तब तक चलती जाएगी जब तक आप लोग यहां से निकलते नहीं बनते वंदे मातरम
कर दो मास्टर दा। Mm-hmm.
Thank you.